दोस्तों, वीवरशिप फूड के एक और शाही एपिसोड में आप सबका स्वागत है। शाही इसलिए क्योंकि हम लोग खड़े हैं शाही दावत में और आज हम लोग ट्राई करने वाले इनका इंडियन मुगलाई क्यूजीन। ये रेस्टोरेंट पिछले 90 साल से पुणेकर्स को सर्व करते आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं बहुत सारे मुगलाई खाने के साथ। तो दोस्तों, खाना मेरे पास आ चुका है, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है और हम शुरू करने वाले हैं चिकन सीख कबाब के साथ में, जो मेरे पर्सनल फेवरेट है और मैं पिछले 14 सालों से यहाँ आ रहा हूँ ये खाने के लिए। दोस्तों, सीख कबाब खाते खाते एक छोटी सी कहानी। सीख कबाब जो है उनका नाम शीश कबाब भी है और शीश का मतलब होता है तलवार और कबाब का मतलब होता है सेकना। ये जो है ये पहले इन्वेंट हुए टर्की में और ये टर्की की देन है सारी दुनिया को। उनके सोल्जर्स जो थे वो रेगुलर जंगल हाइडआउट्स में जो भी उनको वाइल्ड एनिमल्स मिलते थे उनका मीट उनकी तलवारों पे सेकते थे और वहाँ से शुरू हुआ सीख कबाब। अभी मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं पहले सीख कबाब रॉ टेस्ट करके देखता हूँ। काफ़ी गर्म, वाह दोस्तों, सीख कबाब गरम है, नरम है, स्पाइसेस का ब्लेंड जो है वो बहुत अच्छा है। आई कैन ऑल्सो टेस्ट सम हर्ब्स और सीख कबाब का जो मीट है इट इज़ प्रॉपरली मिंस्ड एंड पाउंडेड। मैं एक और बाइट लूँगा इनके केरला परोठे के साथ में। ये लिया परोठा, उसके साथ में ये लिया सीख और ये गया मुंह में। वाह, उठा दौड़ा थोड़ा प्याज। और क्या चाहिए लाइफ में, दिस इज़ वेरी गुड। यू शुड टेस्ट सीख कबाब एट शाही दावत। दोस्तों, अगली डिश जो है मेरे पास वो है इनका फेमस बटर चिकन। मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये टेस्ट करके कैसा है। इसको बटर चिकन कह लो या मुर्ग मखनी, वी कैन नॉट लिव विदाउट बटर चिकन, डू वी? सो इसके अंदर गया थोड़ा सा नींबू, ये लिया थोड़ा प्याज और थोड़ा सैलड। ऑल दो आई डोंट बिलीव इन सैलड्स बट स्टिल ओके। और इसको मैं टेस्ट करूँगा इनकी बैदा रोटी के साथ में and that is going to be a serious bite. Wow. दोस्तों, मुर्ग मखनी जो है क्रीमी है। जो लोग जानते नहीं उनके बारे में एक बात बता दूँ मैं कि मुर्ग मखनी जो होता है उसको चिकन को पहले तंदूर करके फिर मुर्ग मखनी में डाला जाता है। इनका बटर चिकन क्लासिक है, अब तक इतने सालों में टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला है। और जो मिस्टेक बटर चिकन बनाते वक्त होती है, कहीं ज़्यादा मीठा बन जाता है, कहीं ज़्यादा बटर ही बन जाता है, वो बिल्कुल नहीं है। इट इज़ द वे इट इज़, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रेकमेंडेड इफ़ यू आर हियर एट शाही दावत। तो दोस्तों, बटर चिकन खाने के बाद अब मेरे पास है इनका शाही मटन। दिखने में काफ़ी क्रीमी और काफ़ी शाही, अगर आप देख सकते हैं। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब लोग मिलके टेस्ट करते हैं इनका शाही मटन। ओफ, अगर आप मटन को देख सकते हैं, मटन पूरा पिंक है, बहुत गर्म है और मटन बहुत फ्रेश लग रहा है। ओह, मैं कितने भी एडजेक्टिव्स यूज़ कर लूँ इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। इसमें एट द सेम टाइम मैं बता नहीं सकता कितने फ्लेवर्स मेरे मुंह में आ रहे हैं,
देर इज़ प्रोमिनेंट फ्लेवर ऑफ कसूरी मेथी, देर आर रिच स्पाइसेस, आई कैन टेस्ट द फ्रेशनेस ऑफ मटन एंड एट द सेम टाइम आई कैन एक्सपीरियंस समथिंग शाही और रॉयल. दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. आई कैंट स्टॉप. आई एम गोइंग टू टेक वन मोर बाइट. दोस्तों, आप शाही दावत आए और शाही मटन ना खाया तो क्या खाया. यहाँ आने के बाद ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है. तो दोस्तों, शाही खाना है और बिरयानी का जिक्र हो ऐसा हो बिल्कुल नहीं हो सकता. मेरे पास है बिरयानी और मैंने ऑर्डर की है इनकी चिकन दम बिरयानी. इसको टेस्ट करके देखते हैं. अगर मैं इसका चिकन देख पा रहा हूँ तो ये चिकन बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है और चिकन पूरा पिंक है अंदर से, इफ़ यू कैन सी. अभी इस सब को मैं अच्छे से मिक्स करूँगा और लूँगा एक किंग साइज़ बाइट. दोस्तों, बिरयानी इज समथिंग जो सभी को भाती है लेकिन सबके बस की बात नहीं होती उसको बनाना. बट दे हैव डन कंप्लीट जस्टिस टू द बिरयानी. बिरयानी बहुत स्वाद है और बिरयानी दम बिरयानी जैसी होनी चाहिए वैसी ही है. आई कैन टेस्ट द फाइनली कुक्ड चिकन, आई कैन टेस्ट द बरिस्ता इनसाइड, आई कैन टेस्ट ऑल द स्पाइसेस एंड एन एरोमेटिक राइस. दोस्तों, दिस कंप्लीट्स माय एक्सपीरियंस. अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं और भी कुछ खाने वाला हूँ और बहुत जल्द आपको उस खाने के साथ भी मिलूंगा. तो दोस्तों, इस एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास है इनकी शाही फिरनी जो मैं अभी अनरैप करने जा रहा हूँ. ओह, सो आई एम ऑलरेडी इन लव. बट लेट्स सी, अच्छे से मिक्स करके. दोस्तों, मतलब मैं इनके हर डिश के बारे में यही बोल रहा हूँ बट वो सच है कि मैं खुद यहाँ पे 14 साल से खा रहा हूँ, उसके पीछे कोई वजह है. बट ये फिरनी मैंने पहली बार खाई है और फिरनी क्रीमी है, फ्रेशी है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है और वो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है. इट डजेंट, दी शुगर डजेंट ओवर पावर द ओवरऑल टेस्ट एंड इट हैज़ आलमंड्स ओवर इट. And this is absolutely the best way to complete your food. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि innovation is the key in the modern world. So इन्होंने भी एक innovation किया है जो मैं अभी reveal करने जा रहा हूँ. Just pay attention. So दोस्तों, ये है इनकी रूह अफजा फिरनी, रूह अफजा जिसके हम सभी फैन हैं. इन्होंने इसको फ्यूज़ किया है फिरनी के साथ में और आप कलर से ही उसको देख सकते हैं कि दिस इज़ रू अफजा फिरनी फॉर यू जो मैं आप सबके बिहाफ पे टेस्ट करने जा रहा हूँ. सो मेनी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज विथ रू अफजा और इसको इन्होंने ब्लेंड किया है फिरनी के साथ जो मेरा पर्सनल फेवरेट डिज़र्ट है बकलावा के बाद. बट रूह अफजा का मतलब होता है सोल रिफ्रेशर एंड दिस विल डेफिनेटली रिफ्रेश योर सोल. अगर आप यहाँ हैं तो ये ज़रूर खाइए, भूख ना हो तो भी खाइए. ऐसी डिश के लिए पेट खुद ब खुद जगह बना लेता है. तो दोस्तों, रूह अफजा फिरनी के साथ अपने सोल को रिफ्रेश करने के बाद अभी वक्त आता है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का. शाही दावत ज़रूर आइए, यहाँ का खाना खाइए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ. सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंक्लूडिंग गूगल मैप. तब तक खाइए, मस्त रहिए, फेस्टिविटीज़ एंजॉय कीजिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद.